with that, it's now time for yet another keynote address. And I request Mr. Chetan Handa, Founder, Director, Glaze Trading India Private Limited, sir, to please kindly come up on stage and address the gathering. Could we have a round of applause, ladies and gentlemen? Let's hear it. Should I put it in my pocket or something? Good evening, everyone. Mera naam Chetan Handa hai. Main Glaze Trading India Private Limited company ka founder director hoon. Mere alawa Glaze Trading India Private Limited mein ek aur founder director hain jo ki mere bachpan ke dost hain, mere business partner hain. Unka naam Sanjeev Chibbar hai. Wo aaj yahan nahi aa paaye because of some personal reason. उनको भी यहाँ होना था एंड आई एम मिसिंग हिम. तो मैं मेरी तरफ से और मिस्टर संजीव छिब्बर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ. मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ एशिया वन का कि उन्होंने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यहाँ पर सम्मानित किया, अवार्ड दिया. और मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी आज यहाँ अवार्ड्स जीते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस मुकाम पे पहुंचने के लिए किस तरह के एफर्ट्स, किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की जर्नी हम सब ने पूरी की है. तो सबसे पहले मैं आपको ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा. ये कंपनी हमने 2003 में शुरू की थी. ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और आज इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है. आज हम लगभग 20 स्टेट्स में हैं, मोर देन 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 200 फ्रेंचाइजी हैं. और इसके अलावा हमारी गैलवे फाउंडेशन नाम की एक CSR ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट वेंचर रन करते हैं, जिसमें एक है डिजिटालिया और दूसरी है सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम. डिजिटाले और सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये दोनों एक ऐसे तबके को छूते हैं जो हमारा सब अर्बन में रहता है. जो अनप्रिविलेज यूथ है उनको डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए डिजिटाले काम करता है, जिसमें हम उनको लिटिल बेसिक कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें. अभी 8 स्टेट के अंदर वी हैव अराउंड 13 लैब्स जिसमें हम 26,000 से ज़्यादा लोगों को बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग दे चुके हैं. एंड सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम माइंड बॉडी सोल इसको फोकस में रखकर एक दिन की वर्कशॉप करते हैं. इसमें हमारे 500 से ज़्यादा सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और अब तक हम 1.5 लाख लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं. और अगेन इसमें सब अर्बन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको हम ट्रेंड करते हैं. ये पूरे एक दिन की वर्कशॉप होती है एंड द होल टारगेट इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन द लाइफ, क्रिएटिंग द बैलेंस बिटवीन माइंड बॉडी एंड सोल, जिसमें हम मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसमें हम माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब सिखाते हैं और प्रैक्टिकल वर्कशॉप करके लोगों को डिफरेंस क्रिएट करके दिखाते हैं सो दैट वो इसमें बिलीव कर सकें. ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आज यहाँ हमें जिसे हमें सम्मानित किया गया है लीडरशिप अवार्ड के लिए, हमारे ब्रांड अवार्ड के लिए, आज जो ग्लेज की सक्सेस जर्नी है उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है. आज जो ये अवार्ड हमें मिला है, अगर मैं उन सब को इस अवार्ड के लिए क्रेडिट नहीं देता हूँ तो ये बेमानी होगा. तो मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे सभी बोर्ड मेंबर्स को जिन्होंने ग्लेज को यहाँ तक पहुँचाने में दिन रात मेहनत लगाई है और जो ग्लेज को इंडिया की लीडिंग कंपनी ही नहीं वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी बनाना चाहते हैं और उसके लिए डे नाइट काम कर रहे हैं.
मैं थैंक करना चाहूँगा सरबजीत जी का, रमनीक जी का, सुमित का, संजय का. मैं थैंक्स करना चाहूँगा अश्विनी अरोड़ा जी का, हमारे सीईओ हैं सेन गुप्ता जी का, ज्योति का, सोना का, और अगर मैंने कोई नाम मिस कर दिया तो उसके अलावा तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिएगा. पर मैं इन सब का थैंक यू बोलना चाहता हूँ. इसके अलावा मैं हमारी जितने भी एंटरप्राइजिंग एम्प्लॉय हैं जो दिन और रात काम कर रहे हैं ग्लेज को बेहतर बनाने के लिए, उसका थैंक यू करना चाहता हूँ. मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो दिन रात ग्लेज के लिए काम करते हैं. पूरी सिंडिकेट टीम का थैंक्स करना चाहता हूँ. मैं आरसी का थैंक यू करना हूँ, हमारे विजिलेंस कमेटी का थैंक्स करना चाहता हूँ. मैं हमारे प्रोडक्ट डायरेक्टर रमनीक सिंह जी का थैंक यू करना चाहता हूँ. मैं कुश का थैंक यू करना चाहता हूँ. मैं उन सभी वेंडर्स को थैंक्स करना चाहता हूँ जो बहुत शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट ग्लेज के लिए बनाते हैं और दिन रात उसके लिए लगे रहते हैं. आप सब लोग बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं, इसलिए आप सबको भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ. मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपकी अनुमति के साथ, कि मेरा और संजीव का जब हमने ग्लेज स्टार्ट की थी 2003 में क्षमा कीजिएगा, तो हमारा एक विज़न रहता था कि हम दोनों बहुत ही इकोनॉमिकली चैलेंज फैमिली से थे और दोनों ही हम ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं और संजीव, और बहुत अच्छे दोस्त थे जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी. और हमने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्ट की थी, और शुरू से जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उसमें सरबजीत भी हैं और रमनीक भी हैं. तो हमारा एक हमेशा से कहना होता था कि हम जब काम करेंगे और जब हम अपनी कंपनी को खड़ा करेंगे तो हम दो प्रिंसिपल पे खड़ा करेंगे कि हमारे एक हाथ में परमार्थ होना चाहिए और एक हाथ में स्वार्थ होना चाहिए. परमार्थ मीन्स वी शुड ऑलवेज हैव सम स्पिरिचुअल बैकग्राउंड एंड वी शुड ऑलवेज सम हैव मेटरलिस्टिक बैकग्राउंड, यानी देर शुड बी ए नाइस ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेटरलिज्म. और उसी को दिमाग में रख के हमने हमेशा ग्लेज के जो कि जो कल्चरल फाउंडेशन है उसमें हमने इन दोनों चीज़ों को हमेशा रखा है साथ में. एंड जो ग्लेज का बेस है, जो ग्लेज का फाउंडेशन है, वो इसी प्रिंसिपल पे है. इसलिए हमारे CSR में भी आपको ये दिखेगा, अगर आप हमारी कंपनी में आएंगे, हमारे लोगों से मिलेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी. जैसे मैंने आपको बोला था सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम हमारे ग्लेज के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनकी संख्या अराउंड मोर देन 1 मिलियन है, उन सब के लिए है. वो सब लोग अटेंड करते हैं. 500 ट्रेनर भी उन्हीं में से हैं, और ये सब के सब लोग सबर्ब से आते हैं. हमारा जो कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस है वो सबर्ब से है, जहाँ पे अनप्रिविलेज यूथ जो है वो काम करते हैं. और हमने सुना था ईच वन टीच वन. हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो पॉपुलेशन की है. वी हैव लॉट ऑफ ह्यूमन एसेट. ओनली थिंग इज दैट उस ह्यूमन एसेट को स्किल्ड एसेट बनाया जाए. अगर वो लोग स्किल्ड हो जाते हैं तो हमारे देश का भी प्रोग्रेस होगा और हम एक बहुत वंडरफुल वर्ल्ड बना पाएंगे. पर जब हम बात करते हैं कि हमें लोगों को स्किल्ड करना है, तो स्किल का मतलब खाली ये नहीं है कि हमें उन्हें कोई काम सिखाना है. जो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है वो ये है कि हमें उनको बेहतर और एंटरप्राइजिंग थॉट देनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट, जिसमें एक शानदार ब्लेंड हो पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव एटीट्यूड का, पॉजिटिव फाइट बैक करने का. मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो ज्यादातर लोग हम में से, जिसमें से मैं भी शामिल हूं, दे आर नॉट बॉर्न सक्सेसफुल. हम सब लोग सफल होते हैं, हम सब ने एक जर्नी, एक लड़ाई लड़ी है, एक फाइट बैक एटीट्यूड के साथ हर प्रॉब्लम को एनकाउंटर किया, और तब हम एक लंबे एफर्ट्स, टायरलेस एफर्ट्स के बाद यहाँ पहुँचे हैं. यकीन मानिए, मैं सबब में खुद जाके मैंने काम किया है. लोगों में एनॉर्मस पोटेंशियल है, लेकिन कुछ है जो उनको होल्ड बैक करके रखता है, वो है उनका बिलीफ सिस्टम. हमारा एजुकेशन सिस्टम स्कूल का, वो उनको वो नहीं देता है कि जो उनमें वो एनर्जी फिल कर सके, वो कॉन्फिडेंस दे सके कि दे कैन डू समथिंग.
कई बार हमको लगता है कि रिसोर्सेज होते हैं तो आप कामयाब होते हैं. मुझे लगता है अगर किसी के पास एक पावरफुल थॉट है तो वो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है. एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड, द ओनली थिंग इज दैट यू शुड हैव समथिंग हियर. वी शुड हैव सम एटीट्यूड टू फाइट बैक एंड टू थिंक बिग, टू ड्रीम बिग. लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं सिखाया जाता है. हमने अपने इतिहास में देखा है कि एक पावरफुल टीचर चंद्रगुप्त मौर्य को क्रिएट कर सकता है, जैसे चाणक्य है. अगर हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो और पावरफुल टीचर हो जो सिर्फ ये रियलाइज करवा सकें कि तुम में वो पावर है कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य बन सकते हो, तो एवरीबडी कैन डू एनीथिंग. और हम लोग ग्लेज में हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम खाली उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दें, खाली हम उनको बेस्ट प्रोडक्ट नहीं दें, खाली हम उनको क्वालिटी वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं दें, हम उनको वो एटीट्यूड भी देते हैं, वो सोच देते हैं, हम उनको एक अच्छा ह्यूमन एसेट क्रिएट करते हैं कि अगर वो ग्लेज में भी कामयाब ना हो तो वो उस एटीट्यूड से दुनिया के किसी भी जगह पे कामयाब हो सकते हैं. क्योंकि भगवान ने हर ह्यूमन को कुछ यूनिक दिया होता है. ओनली थिंग इज दैट कि उस यूनिक क्वालिटी को वो कैसे इस्तेमाल करके हमारी तरह ग्रो कर सके और वो भी किसी ना किसी ऐसे ही रिवॉर्ड फंक्शन का हिस्सा बन सके, ये हमारी कोशिश है. थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे सुना, थैंक्स लॉट. धन्यवाद. थैंक यू मिस्टर हांडा, थैंक यू सो मच फॉर पैशनेटली शेयरिंग योर वंडरफुल जर्नी विद अस. थैंक यू. एंड विद दैट लेडीज